अस्सलाम वालेकुम। आज दिसंबर की 5 तारीख है। ये मेरे पास M26 सेब का एक रूट स्टॉक है जिस पे अभी मैं चिप बडिंग करूँगा। और पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था एक दूसरा चिप बडिंग का तरीका, तो अभी इस पे मैं वो तरीका इस्तेमाल करते हुए चिप बडिंग करूँगा। मैं एक ये छोटा सा चिप काट के लाया हूँ। ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है, जल्दी पकने वाली, और मैं इसे हालांकि घर से लाया था। ये मेरी फेवरेट वैरायटी है, नहायत ही अच्छा कलर और बहुत ही इसकी अच्छी खुशबू। तो सबसे पहले मैं ये चिप इस्तेमाल करूँगा। तो इसका मैं तने पे सबसे नीचे इसका पैमत लगाऊंगा। ये चिप है, इसके दूसरी तरफ बड़ी एहतियात से तकरीबन आधा हिस्सा काट लें। अपनी कटाई चेक करने के लिए कि ये सीधी है या नहीं, आप इसे चाकू के ब्लेड पे रखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी कटाई सीधी है या नहीं। ये चिप है, इसके नीचे एक इस तरह का कट लगा लें छोटा सा। तो ये आपको यहाँ भी कैम्बियम मुहैया करेगा जो कि इस पैमद की कामयाबी के लिए और ज़्यादा मुफीद होगा। रूट स्टॉक पे नीचे की तरफ जाता हुआ एक कट लगाएं, और आप ऐसा भी कर सकते हैं जो कि ज़्यादा मुफीद रहेगा कि इसे चिप यहाँ पे रखें और इसके ऊपरी हिस्से पे इस तरह निशान लगा लें, चिप को बाहर निकाल लें। तो ये आपको बेहतरीन मुहैया करेगा साइज़ कि आपने कितनी लंबी कटाई करनी है। इस चिप को बीच में रखें, इस जगह पे फिट हो गया है। अभी मैं ये रबर बैंड इस्तेमाल करते हुए इसे बांध दूंगा। फालतू रबर बैंड काट लें। तो ये मुकम्मल हो गया है। अभी मैंने इस पे 5 मुख्तलिफ वैरायटी के पैमद लगा दिए हैं। सबसे नीचे हालांकि घर से लाई गई वैरायटी, उसके बाद रोजेट जो कि उससे ऊपर है, उसके ऊपर मे क्वीन वो तीसरी वैरायटी है, और मे क्वीन के बाद मैंने गाला और उसके ऊपर रेड स्ट्राइप, और इसे मैं उस मखसूस जगह पे रखूँगा जो मैंने इस मकसद के लिए तैयार की है, जहाँ पे दर्जा हरारत तकरीबन 20 के लगभग रखा जाएगा।
और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर दें तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो, तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।